नमस्कार, आपको इंडियन ऑटो 24 में स्वागत है। समय रहा जनपद के दीवानी न्यायालय पहुंच चुके हैं, जहां आपको आपको बता दें कि ऐसा ही मामला प्रकाश में आया कि बार एसोसिएशन के अधिवक्ता गणों ने शासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आप देख सकते हैं, वहीं शासन को ज्ञापन सौंपा है। आप देख सकते हैं, भरी भाव देख से इंडियन ऑटो 24 के चैनल के माध्यम से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर शासन के खिलाफ अधिवक्ता गणों एक समूह बना करके नारेबाजी कर रहे हैं। आप भली भांति देख सकते हैं चैनल के माध्यम से, वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आइए हम बात करते हैं बार एसोसिएशन अध्यक्ष व उनकी टीम के, आप सुनिए वो क्या कहते हैं। इसी के साथ इंडिया नाउ 24 के समस्यात्मक खबरों के लिए बने रहिए। एसके कुशवाहा संवाददाता रायबरेली। सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर ओम कुमार सिंह, क्या धरना प्रदर्शन किया गया? धरना प्रदर्शन का कारण रहा कि हम लोगों की बहुत सारी जो है मांगे पहले से चली आ रही हैं। विधायक साहब से इसके पूर्व में हम लोग कई बार लिखित में, कई बार मौखिक में जाकर के उनसे वार्तालाप किए। जैसे अधिवक्ताओं की समस्या है कि टीम की सेट चू रही है, टीम जो है खाली बदले जाने की बात तो की जा रही, कोई नया कंस्ट्रक्शन की बात नहीं की जा रही। पानी की व्यवस्था है, वाटर कूलर की जो है लगवाया उन्होंने, लेकिन वो सब माने खराब क्वालिटी के होने की वजह से उनमें पानी नहीं आ रहा। शौचालय की समस्या है, वहाँ भी पानी नहीं है, साफ सफाई नहीं है, तो बहुत तरह की दिक्कतें हैं। वार्डकारी जो हमारे जो है पता चला 10 बजे से एक लिस्ट लेकर के खड़े हो जाते हैं, उनके चपरासी खटाखट फला बनाम फला करके बोलते चले जाते हैं और नॉन प्रेजेंट में सारी डेटे लगा देते हैं, उसको खारिज कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। कम से कम लंच तक तो उन्हें वेट करना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि अधिवक्ता एक ही कोर्ट में एक समय तो नहीं जा सकता है, दूसरी कोर्ट में तो उसके नॉन प्रेजेंट में खारिज कर देते हैं, ये भी सही नहीं। इस संबंध में अभी लास्ट में हमने 25 तारीख को, इसी 25 को जो है एक बार फिर उनको लिखित में लेटर दिया कि 30 तारीख से हम लोग जो है न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया। तो कल हम लोगों ने लास्ट टाइम में फिर उनको इस चीज़ को बताया जो है लिखित में दिया, लेकिन फिर भी जब नहीं लिया तो बाध्य होकर के हम लोगों को न्यायिक कार्य से विरत रहना पड़ा। जो किसका जिम्मेदार मानते हैं आप? जिला जज साहब हमारे इसके जिम्मेदार है पूरी तरह से। क्या नाम है उनका? अब्दुल साहिद जी, जो माननीय जो है अब्दुल साहिद जी जो है जिला जज जो है वही इसके जो है जिम्मेदार है पूरी तरह से। पैसे है आपका? अलका सिंह राजपूत, एडवोकेट सेंटर बार में वाइस प्रेसिडेंट। क्या आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आज? आज हम ये करने की हमारे यहाँ पानी की समस्या बहुत बढ़ रहा है, हमारे अधिवक्ता तथा वादकारी पानी के लिए जूझते हैं। अगर न्यायालय में देखा जाए तो पानी की समस्या तो आम हो गई है, इससे अधिवक्ता तथा वादकारी बहुत परेशान है। हम लोग जिला जज को कई बार दिया, नोटिस दिया, वो दिया, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है ना, कि पानी की समस्या, आरओ लगवाया गया वो भी भ्रष्टाचार, उसमें आरओ में पानी नहीं है, दो एक महीने आया नंबर। दूसरा ये है कि हमारी कोई भी चीज जाना है तो वो जाने, अंदर नहीं जाने देना, तीन सेड है अधिवक्ता पानी में चू रहा है, उसके नीचे बैठा हुआ है। तीसरी चार की समस्या हमने देखा है कि कोई कार्य हम लोग कर रहे हैं तो मनमानी कार्य किया जा रहा है, जिससे हम लोग ने सोचा है कि सांकेतिक हड़ताल किया जा रहा है, इसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। कौन कसूरवार होगा इसका, जो लापरवाही है सामने? हमारे जिला जज साहब मोहम्मद अब्दुल साहिद सर इसके जिम्मेवार। नाम क्या है? अमरेंद्र सिंह। क्या आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा प्रदर्शन का मेन कारण है अनियमितता और भ्रष्टाचार। जैसे हमारे यहाँ पानी पीने की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, आज हमने कई बार इनका अप्लीकेशन जज साहब को दिया तो उन्होंने आरओ लगवाया, लेकिन वो आरओ जो है सब भ्रष्टाचार की उसमें देख कर गए, कोई भी किसी भी आरओ में पानी नहीं आ रहा, सारे सारे एकदम बिल्कुल बेकार पड़े हैं। कौन है आपके जज? अब्दुल शाहिद जी। व्यवस्था नहीं है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है, और 10 बजे हमारे जुडिशियल अफसर लोअर कोर्ट के सब बैठ जाते हैं और 10 बजे मुकदमे को खारिज कर
करते थे, वारिस करते थे, उनका इंतजार नहीं करते हैं। और उसके बाद वो कभी भी 10-10:30 बजे उठ के चले जाते, फिर 1 बजे आते हैं और दिन भर वो अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं, कोई कार्य नहीं करता है। बात कार्यों को बहुत बड़ी समस्या से टूट जाते हैं, दोबारा उनको मुकदमा दायर करना पड़ता है। इस कारण से आज और हमारे अधिवक्ताओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा, हमारी उनकी जगह नहीं बदली जा रही, नहीं देने रहे, तो हम नहीं बात नहीं किया जाए। हमने कई बार उनको मौके सूच थे और हमने उनको प्रार्थना पत्र देंगे, अप्लीकेशन देंगे, अवगत कराया, कोई भी समझ नहीं दिया गया कि कौन से हमारी। और उसके बाद हमने हाईकोर्ट भी भेजा है, जस्टिस को भेजा, एजे को कई प्रार्थना पत्र किया, आज तक सब हमको मजबूरन मुकाम पे पहुंचना पड़ा। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप? अगर हमारी मांगे नहीं, 4 दिन में कोई सुधार नहीं होता है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे और कार्य बाधित हो जाएगा। और गेट नंबर 3 बिल्कुल, हमने कई बार उनसे कहा कि छोटा गेट खोल दीजिए, उससे बात जारी हमें और अधिवक्ताओं में उससे, और अपने लिए तो सब लोग खुलवा लेते हैं गेट, और अधिवक्ताओं और बातकारियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। क्या नाम आपका है, क्या पता? कमलेश चंद पांडे, अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन।